हाय गाइस वेलकम बैक टू न्यू दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जो मैथ के रिलेटेड जो मैंने एक पिछली बार वीडियो बनाए थे वो वीडियो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा, अगर आप नहीं देखे होंगे तो देख सकते हैं या अपने आई बटन में भी उसका मैं लिंक रख दूंगा, जिसमें मैंने बताया था कि मैं टोटल जो 200 में जो मैथ का जो टोटल कोर्स है वो पढ़ाऊँगा, और ये 200 का लगभग एनआरएस है, नेपाली करेंसी है, इसमें पढ़ाऊँगा और वही संडे से स्टार्ट होने वाला है और आज आपको फ्राइडे हो गया, संडे से स्टार्ट होने वाला है और आज फ्राइडे है तो इसमें एक सैटरडे गैप हो रहा है और संडे से तो पढ़ाना ही है, तो इसीलिए मैंने आज एक वीडियो शूट कर रहा हूँ ताकि सभी कोई कोई एक इन्फॉर्मेशन दिया जाए किस तरह से मैं पढ़ाऊँगा और उसमें क्या पढ़ाऊँगा, जैसे कि YouTube वगैरह आपका वीडियो के सब कुछ डिटेल में बात करेंगे क्या चीज़ है उसमें पढ़ाने वाले हैं और क्या चीज़ नहीं होगा उसमें, तो सो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं तो ये देखें पूरा वीडियो और पढ़ाने का तौर तरीका अच्छा लगे आपको इंटरेस्टेड हैं तो उसमें हम लोग इनरोल कर आप भी उसमें ले सकते हैं। देखिए मुझे आने के लिए तो नेपाली भी आता है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर यूट्यूब पर हिंदी में वीडियो बनाता हूँ इसीलिए मैंने अपना लैंग्वेज को एक कंटिन्यूटी देते हुए हिंदी ही रखा हूँ, चेंज नहीं करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि बहुत सारे जो ऑडियंस है पहले से जुड़ चुके हैं तो हिंदी ही ठीक रहता है, लेकिन क्लास में जो मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स मेरे ख्याल से नेपाल से बिलोंग कर रहे हैं तो इसलिए मैंने वहाँ पर अभी डिसाइड नहीं किया हूँ कि किस लैंग्वेज में पढ़ाऊँगा, लेकिन एज पर स्टूडेंट्स कन्वीनियंस जो स्टूडेंट्स को अच्छा होगा उस लैंग्वेज में हम लोग एडॉप्ट कर सकते हैं, उसमें कोई लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं होगा, लैंग्वेज जैसे कि क्लास में ऑनलाइन क्लास होगा जिस तरह से लैंग्वेज का कन्वीनियंट होगा जिस तरह से आसानी होगा उस तरह से स्टार्ट कर लेंगे। तो दोस्तों एज फॉर करने का मतलब कि जो है एज अ डेमो ही जैसा समझिए, लगता है परमानेंट मार्केट कर दे दिया है क्या वो जल्दी सूख जाता है, तो आज डेमो जैसा कि हम समझते हैं इंक खत्म हो गया था कि नहीं है तो वो परमानेंट जैसा, जैसे कि मैथ के लिए आपको ये शंकर कंडेल सर का जो है ही इज माय गुरु है, बहुत उनको मानते हैं, मैं पर्सनली मिले नहीं कभी उनसे लेकिन उनके जो आइडियोलॉजी है और जो मैंने कंटेक्ट जो बुक पढ़ा उन्हीं के द्वारा लिखा गया ऑथर है वो, तो काफ़ी अच्छा लगा तो इंस्पायर होकर मैं उनको गुरु मानता हूँ। तो ये कहने का मतलब कि मैथ का हो गया और मैथ का शंकर कंडेल सर का आप बुक ले सकते हैं जो कि नेम इंस्टीट्यूट की भी बुक है ऑफिशियल, और इनके जो पब्लिकेशन है निर्वाणा पब्लिकेशन से पब्लिश होता है तो ये आपको बुक मिल जाएगा। टोटल कॉस्ट का बात किया जाए इस बुक के बारे में मैंने पिछले वाले वीडियो में भी बात की है दोस्तों, तो टोटल कॉस्ट इस पर तो लिखा नहीं है लेकिन आपको 250 पड़ जाएगा, 250 रुपया पड़ेगा, तो एक आप ये बुक रखेंगे तो ठीक रहेगा क्योंकि मैं भी इसी के बुक के बैच जो भी क्वेश्चन वगैरह कराएंगे इसी बुक से कराएंगे तो आपको भी आसानी होगा अगर ये आपके पास बुक है तो, नहीं भी है दूसरा कोई पब्लिकेशन का या दूसरा ऑथर का बुक है तो भी आपको कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है क्योंकि हम लोग वहाँ से भी आपका जो प्रॉब्लम होगा वो डाउट होगा ले लेंगे। जैसे कि बात किया जाए जैसे सपोज कि ये मैथ का सिलेबस बारे में आप सबको पता है आपके सबके पास सिलेबस वगैरह होगा नहीं होगा तो आप यहाँ से बुक के कवर पर भी देख सकते हैं क्या क्या आएगा, या कहने के मतलब जो कंटेंट है वही सिलेबस है मानिए सपोज, तो इसमें जब 20 नंबर का आने वाला है ये सिंपल सी बात है। तो दोस्तों जैसे कि मैं जनरल टीचर की ट्रेंड है उनसे थोड़ा हट कर ये क्लासेस लेने वाला हूँ, और उसमें क्या जैसे कि यूट्यूब पर जिस तरह से आप अगर मानिए सपोज इस जितना टॉपिक है जितना भी टॉपिक है इसमें मैथ बुक में ये सारे टॉपिक पर आपको यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएगा, रियली सारे टॉपिक पर यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएगा, मेरा नहीं लेकिन कोई दूसरे सर का कोई दूसरे टीचर का आपको कोई दूसरे स्टूडेंट का लीजिए कोई सारा टॉपिक पर आपको मिलेगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या आता है जैसे कि आप यूट्यूब पर तो वीडियो देखते हैं लेकिन देखने के बाद भी आपको वहाँ पर अच्छा जिस तरह से अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए या देखने के बाद जो कंसेप्ट लिए वहाँ से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए वो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, सबसे बड़ी बात यही पर आकर रुक जाती है और यही हो जाती है कि आप कंसेप्ट ले ली जैसे कि वर्क एंड प्रॉब्लम की टाइम की बात किया जाए तो वहाँ से कंसेप्ट ली और आपको क्या करना था आपको उसे इम्प्लीमेंट करना था प्रैक्टिस करना था ताकि जो भी क्वेश्चन आए एग्जाम में तो वहाँ पर आप लिमिटेड टाइम में जो भी टाइम आपके पास अवेलेबल है उस टाइम में आप क्वेश्चन को डील कर पाओ और क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर पाओ ऑप्शन में से,
लेकिन आप प्रैक्टिस ज़्यादा ना होने की वजह से आप वो टाइम के इंटरवल में नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है आपका बहुत सारा क्वेश्चन छूटने की संभावना भी हो जाता है। तो उसी लिए मैं यहाँ पर देखो दोस्तों, सपोज एक मैं चैप्टर कर ले रहा हूँ, मैं किस तरह से पढ़ाने वाला हूँ, और फर्स्ट चैप्टर है ओवर टाइम एंड वर्क। तो देखो दोस्तों, ये अगर कंसेप्ट की बात किया जाए तो कंसेप्ट टाइम एंड वर्क की सबकी पता है कि ये कंसेप्ट 9-10 में सबने थोड़ा थोड़ा बहुत पढ़ा है थोड़ा बहुत, लेकिन अगर हम 9-10 की कंसेप्ट से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो हर क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, इसमें एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा जो कि सॉल्व नहीं होगा। लेकिन डिफरेंस क्या आ जाएगा, आपको टाइम का ड्यूरेशन का डिफरेंस आ जाएगा, जो भी आप टाइम इसमें देंगे वो टाइम ड्यूरेशन आपको काफ़ी ज़्यादा लग जाएगा। जैसे 9-10 में एक क्वेश्चन होता था, जैसे कि यही क्वेश्चन, सपोज ए नंबर क्वेश्चन है, ए इज ट्वाइस एज गुड एज बी एंड टुगेदर दे फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज, द नंबर ऑफ डेज टेकन बाई ए अलोन टू फिनिश वर्क इज, इस तरह का क्वेश्चन था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आता था, अगर आप 9-10 में पढ़ते हैं तो उसमें ये क्वेश्चन का जो वेटेज होता है 4 नंबर का, ये क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। लेकिन 4 नंबर का भी नहीं है मानिए भी, तो इसका वेटेज ऑलमोस्ट आपको 2 नंबर देखने को मिलेगा। लेकिन इससे कम आपको वेटेज को मैथ में नहीं, लेकिन यहाँ पर इसका टाइम भी देखेंगे, ये 4 नंबर का है तो यहाँ पर ऑलमोस्ट आपको 8 मिनट का टाइम दिया जाता, और अगर 2 नंबर का होता तो और 4 मिनट का 4 मिनट का टाइम आपको दिया जाता बनाने के लिए। लेकिन आपको MBBS में यही क्वेश्चन जो कि वहाँ पर आपको 4 उतना टाइम भी दिया जा रहा है, यही क्वेश्चन को आपको अब रिड्यूस कर कर कितना में टाइम में दे दिया, अब 1 नंबर का क्वेश्चन हो गया, और उसके टाइम देखो दोस्तों 54 सेकेंड में आपको सॉल्व करना है ये क्वेश्चन। तो सो इसलिए ये थोड़ा टफेस्ट हो जाता है, और हमें और ये जाहिर सी बात है हम लोग 54 सेकेंड में नहीं 30 सेकेंड में बल्कि हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करें, मैक्सिमम अगर लगेगा भी तो 50 सेकेंड में हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। इस तरह से प्रैक्टिस आएगा, और प्लस हमको यहाँ पर उसकी 9-10 जैसा पूरे मीन्स थ्योरिटिकल पोर्शन लेकर नहीं जाना है, जस्ट हमको एंसर फाइंड आउट करने का होता है इसमें। तो यही डिफरेंस है, दूसरा कुछ नहीं है। तो दोस्तों ये बात तो मैंने बताई आपको, तो जैसे कि मैंने टाइम एंड वर्क को जैसे कि एक एग्जांपल देते हुए समझाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ एग्जांपल भी दिया है, जैसे कि डिस्क्राइब एग्जांपल, कंसेप्ट में वॉइस है, जैसे कि कंसेप्ट भी थोड़ा डील कर दे रहा हूँ कि आपको यह कंसेप्ट के बहुत थोड़ा सा, लेकिन क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखेंगे टोटल क्वेश्चन है 42, और हम अगर ये 42 क्वेश्चन से डील कर लेते हैं पूरी 1-to-1 कर स्टेप बाय स्टेप, तो इसका सोल्यूशन भी दिया है यहाँ पर, और उनका जो मेथड है जो पढ़ने का तौर तरीका है उसी पर है सोल्यूशन। और यहाँ पर क्या है, जैसे कि अगर हम 42 क्वेश्चन को अगर हम डील कर लेते हैं तो हमें ऑटोमेटिकली कितना भी टाइम एंड वर्क पर की क्वेश्चन आए वो सारे क्वेश्चन से हम लोग डील कर सकते हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन डिफरेंट अवे का है, डिफरेंट कंसेप्ट से लग कर बनेगा, कोई भी क्वेश्चन रिपीटेड नहीं है। तो सो ये हर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना कंपलसरी हो जाता है, लेकिन जब तक आप करने मतलब कि पूरा कंसेप्ट क्लियर है तो भी तो आप ये एग्जांपल में दी गई सॉल्यूशन से भी आप थोड़ा बहुत समझ सकते हैं, लेकिन कहीं भी दिकदारी होगा तो आप करने मतलब कि एक टीचर होता है जो वो आपको गाइडेंस करेगा, मीन्स असिस्ट कर देगा, बस दूसरा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर जैसे कि मैं आपको जैसे कि ये एक बात बता दूँ, यही वाला जैसे कि हम लोग किस का ले रहे हैं, 2 नंबर वाला ले रहे हैं, जैसे कि इसमें देखिए कंसेप्ट के क्या होता है, जैसे कि सपोज एक एग्जांपल कंसेप्ट दे रहे हैं आपको हम, कंसेप्ट में क्या होता है, जैसे कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, अ पीस ऑफ वर्क, लेकिन ये है पर्सन है, ये वर्क है और ये डे है, तो ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, ओके। और तो इसी को अगर हम लोग को करना पड़ेगा कि ये एक दिन में कितना काम करेगा, ये एक दिन में कितना काम करेगा, तो हम लोग इसे 1/12 कर देंगे क्योंकि एक दिन रेसिप्रोकल हो गया। लेकिन अब यही दिया होता कि यही पूछा होता कि ए कैन डू 1/12 वर्क इन 1 डे, तो हम लोग इसे जैसे कि इसे
एक कैन डू वन बाई ट्वेल्व, ये एक काम कितना दिन में करेगा, तो हम लोग एक को जैसे कि एक काम करने के लिए, तो इसे हम लोग जैसे कि वन इंटू इसका रेसिप्रोकल कर, इसका जो है रेसिप्रोकल करते उल्टा कर हम लोग करते हैं, जैसे कि 12 बाई 1 मीन्स यहाँ पर चेंज होता है, जैसे कि अगर हम उसे डिवाइड में ले आ दिए और इससे क्या है यहाँ पर रेसिप्रोकल में कर उधर रखना है, जैसे कि अगर 4 बाई 5 वर्क करता तो एक काम कितने एक दिन में 4 बाई 5 करता, तो एक काम करने का मतलब कि वो कितने दिन में करता 5 बाई 4 इंटू 1 करता, इस तरह से निकालना रेसिप्रोकल है यहाँ पर। तो ये बात हो गई यहाँ पर, जैसे कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, उसी तरह से बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन मानिए सपोज 15 डेज हो गया। तो क्वेश्चन आ सकता है, जैसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है जैसे कि इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी कैन कंप्लीट द वर्क, तो जैसे कि ए प्लस बी कितने दिन में वो सिंगल काम को कंप्लीट करेगा हमें निकालना है। तो अगर हम नीचे क्लास में होते हैं लोअर क्लास में, तो हम लोग क्या करते कि पहले निकालते जैसे कि एक दिन में ए कैन डू 1 बाई 12 वर्क इन 1 डे निकालते, उसके बाद बी कैन डू 1 बाई 15 वर्क इन 1 डे निकालते, उसके बाद ए प्लस बी कर कितना करते जैसे कि 1 बाई 12 प्लस 1 बाई 15 करते, और उसके बाद एक दिन में दोनों मिलकर काम करेगा, उसके बाद इसे सॉल्व करते हम लोग, तो एलसीएम लेते हैं इसका, एलसीएम लेंगे तो कितना होगा जैसे कि इसका एलसीएम लेंगे तो 12, जैसे कि 12 और 15 इसे कर सकते हैं यहाँ पर, अगर एलसीएम नहीं लेने आता है तो यहाँ पर मतलब कहीं रिकॉल कर लीजिए, तो 3 से हो जाएगा 5 होगा और 4 होगा, तो 5 का भी 60 टोटल 16 है, और यहाँ पर 12 बनाने के लिए 12 को 16 बनाने के लिए हम लोग को नीचे जैसे कि यहाँ पर 1 बाई 12 है तो हमको इसको 60 बनाना है, तो 1 बाई 12 इंटू 5 करना है और ऊपर ही 5 होगा, तो कहने मतलब 5 बाई 16 यहाँ पर टोटल हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो गया 1 इंटू 5। अब ये सब स्टेप नहीं होगा बाद में, अभी बता रहे हैं इसीलिए हो रहा है। अब प्लस यहाँ पर 1 इंटू 4 करना है, मीन्स टोटल 5 प्लस 4 बाई 16 हो गया, मीन्स 9 बाई 16 हो गया, तो टोटल कितना 9 बाई 16 डे मीन्स वर्क एक दिन में, फाइनली ए प्लस बी जो है वो 9 बाई 16 वर्क कर रहा है एक दिन में, तो ए प्लस बी जो है वो कितना काम करेगा टोटल वर्क वन काम कितना दिन में करेगा, तो 16 बाई 9 डे में काम करेगा, मीन्स क्योंकि मैंने शुरू में बताया कि आपको इसे रेसिप्रोकल में कर दे, जो ये पार्ट है जो जिसे हमें रेसिप्रोकल में कर देना है, मैंने शुरू में आपको एक्सप्लेन कर दिया हूँ, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर रेसिप्रोकल में कर दिया, जैसे कि यहाँ 1 से 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इतना ही आएगा आपको 60 बाई 9 आएगा, तो सो मैंने 60 बाई 9 रख दिया। ओके, तो ये बात आपको एक लॉन्ग प्रोसेस का मेथड हो गया, अगर यही मैथमेटिक्स हमें कम्युनिटी ट्रांस एग्जामिनेशन में सोल्व करना है, इसी का आंसर फाइंड करना है, तो जैसे कि इसका आंसर आपको सिर्फ एक रॉप में करना है, जैसे कि ये जो है 12 दिन में काम कर रहा है, बी जो है 15 दिन में काम कर रहा है, तो टोटल ए इस तरह करिए ए प्लस बी कीजिए, ए प्लस बी का कितना दिन में काम करेगा, तो ये दोनों का एलसीएम निकालेंगे, टोटल कितना हो गया 60 हो गया, तो इसे 60 बनाने के लिए क्या होगा 4, ऐसे 60 बना लेंगे 5, टोटल काम कितना वो 4 पार्ट एंड प्लस 5 पार्ट टोटल 9 पार्ट हो गया प्लस 9, तो टोटल आंसर आ गया 16 बाई 9 मीन्स 16 बाई 9 डे में करेगा। तो देखो दोस्तों, इस तरह से भी आपका आंसर यही आया और इस तरह से भी आपका आंसर यही आया, लेकिन डिफरेंस क्या हो गया, ये एक लॉन्ग प्रोसेस से होकर गया और हमें ये ट्रिक पता था, तो हमने एलसीएम मेथड पहले एलसीएम ले लिया और एलसीएम के बाद दोनों के यहाँ पर लिख दिया कि 60 पार्ट्स काम करना है और उसके बाद ये कितने पार्ट्स काम कर रहे हैं 4, अब बी के बी 4 पार्ट काम कर रहे हैं 4 पार्ट्स और ए 5, तो टोटल जोड़ेंगे तो टोटल काम कितना है 9 पार्ट्स, तो हम लोग 16 बाई 9 डिवाइड कर देंगे तो आ जाएंगे आंसर। तो दोस्तों ये रहा एक मतलब कि मैंने सिंपल सा बता दिया आपको।
अब इसी तरह से हम लोग यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये थोड़ा लग रहा है कि मुझे परमानेंट मार्कर देकर बैठा दिया है, परमानेंट मार्कर मिल ही नहीं रहा है यार। फर्स्ट फर्स्ट हम भी उतना मार्कर यूज नहीं किए, स्कूल समय होता है, स्कूल समय तो वो करीब मतलब कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह है तो उसमें हमें नहीं गिनने जाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर हम ही गए थे। तो जैसे दोस्तों यहाँ पर क्या है, जैसे कि ये तो हमने बता दी एन, ये इसका भी आपको रूल इसी में समझाए, इसको भी यही समझाए। और जैसे कि इफिशियंसी वाला है, जैसे कि इफिशियंसी वाला है, जैसे कि कैसे कहने का मतलब ए इज मोर, ए इज इफिशियंट कर, ए इज ट्वाइस थ्राइस या फोर्थ फिफ्थ भी बोल सकता है, ए इज ट्वाइस मानिए ट्वाइस इफिशियंट देन बी आ जाएगा। तो मैं कहने का मतलब कि मानिए बी आ गया, ट्वाइस इफिशियंट देन बी आ गया, तो जो ए काम करेगा वो कहने का मतलब ये काम करेगा 2:1 मीन्स ए का जो काम है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जैसे कि रेशियो पी इज थ्राइस गुड एज क्यू, तो कहने का मतलब जो क्यू है, जो थ्री पी जो है तीन टाइम्स ज्यादा काम करेगा ए क्यू से। तो उसी तरह यहाँ पर ए इज ट्वाइस देन बी, तो कहने का मतलब जो ए है वो कहने का मतलब दो, जैसे कि ए कोई मने सपोज खाने की बात करते हैं, अच्छा समझ आएगा, ए इज ट्वाइस भूखड़ देन बी, लेकिन ये जो है ज्यादा खोखड़ है बी से, दो गुना से। तो ये जो है तो वो क्या करेगा, ये बिस्कुट है इसमें छह ठो बिस्कुट है, 1 2 3 4 5 6 बिस्कुट का पीस है, तो ये ट्वाइस भूखड़ देन बी है। तो कहने का मतलब जो ए दो ठो बिस्कुट खा लेगा तो बी एक ही खाएगा, ये क्या खाएगा, बी एक ही खाएगा, ए दो ठो खा लेगा। तो यही बात यहाँ पर मैंने आपको साफ साफ बताई, लेकिन इसी में है कि इतना इफिशियंट की बात है। तो इसी में देखिए दोस्तों, अगर ये ए दो ठो बिस्कुट खाने में कितना टाइम लगाएगा ये पूछा जाए तो इसका जस्ट रेसिप्रोकल हो जाएगा, मीन्स उल्टा हो जाएगा। तो इसका एक कितना बिस्कुट, एक बिस्कुट खाने में, ये दो बिस्कुट खाने में कितना टाइम लगेगा तो 1 लगाएगा, और बी दो बिस्कुट खाने में कितना टाइम लगाएगा तो 2 लगाएगा। इस तरह से हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर जस्ट उसके रेसिप्रोकल आ जाएगा, ये बात बता दी मैंने, ये रेशियो वाला का। उसी तरह से है, अब एक और रूल है इसमें, एक और रूल, जैसे कि यहाँ पर आप जैसे कि कोई आदमी है, सपोज मानो यंग मैन है, यंग नंबर ऑफ मैन है, या वर्कर समझ लीजिए, और D1 आदमी है सपोज मानो, और वो D1 टाइम लगा रहा है कोई काम करने में, जबकि वो एक दिन का 1 घंटा काम करता है मानो, तो उसके उसका जो करने का टाइम है और तो वो कितना W1 वर्क फिनिश करता है, तो इसी तरह से आता है। जैसे कि यहाँ पर आपको कि एक और यहाँ पर M2 और D2 इसका समझा दे रहे हैं मैं, H2 by W2, तो W2 तो उसी में जैसे कि घट बढ़ होता है, तो इसमें क्या कहेगा आपको, इस रिलेशन को समझा रही है, आपको रिलेशन समझना है। यहाँ पर यंग पीपुल है, समझ आ रहा है ना, जैसे कि यम ये मैन हो सकता है, यम जो है नंबर ऑफ आपको वर्कर समझिए, नंबर ऑफ वर्कर, इसमें स्टूडेंट को भी कभी कभी ले आ सकता है, स्टूडेंट को भी ले आ सकता है, यहाँ भी नंबर ऑफ वर्कर, ये कहने का मतलब डे है, ये डे है, और ये कहने का मतलब कि आपको वर्किंग आवर है, मीन्स ये वर्किंग आवर है आपका, वर्किंग आवर, ये कहने का मतलब कि वर्क है, कितना पार्ट वर्क कंप्लीट कर रहा है। तो देखो इतना M1 आदमी मिलकर D1 में, D1 टाइम डे में आपका कोई काम कंप्लीट कर रहा है 1 घंटा काम कर, तो वो कितना पार्ट ऑफ काम कर रहा है यहाँ लिखना है। तो उसी में होता है तो क्वेश्चन कि जो कोई आदमी इसमें नंबर ऑफ पीपल घट गया, तो नंबर ऑफ डे को हम लोग को फिक्स ही रखना है,
और उसको कितना ज़्यादा एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा कि WN जितना वर्क उसे कंप्लीट कर पाए। अगर यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है तो उसे हम लोग को ख्याल रखना है, टीजी करने के मतलब कि यह फॉर्मूला लगाना है। जैसे कि इसमें क्वेश्चन आएगा, आगे प्रैक्टिस करेंगे तो हम लोग आएगा। जैसे कि यहाँ पर सर की नोट में देख सकते हैं हम लोग, जैसे कि इफ अ पर्सन कैन डू W1 वर्क D1 फॉर दिस एंड दिस, वही लिखा है यहाँ पर कितना दिन में कर रहा है, तो D2 वाला कितना दिन में कर सकता है। तो वहां पर और उसके बाद जैसे कि अब वर्क देखो, वर्क यहाँ पर वर्क अगर वैरी नहीं करता है, मैंने शुरू में बताया आपको, अगर ये वर्क है मानो W1 और यहाँ भी W1 ही वर्क करवाना है हमको, W1 ही वर्क करवाना है, तो ये W2 W1 तो सेम ही हो जाएगा, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल, यहाँ पर नंबर ऑफ सेम आदमी रखना है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये जो 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 कैंसिल हो सकता है हम लोग जैसे कि बाद में इक्वेशन में वैल्यू पुट करने के बाद वो कैंसिल हो जाएगा, उसमें उस तरह की कोई टेंशन नहीं, लेकिन मेन जो फॉर्मूला है इसे हम लोग को ख्याल करना है। ओके नेक्स्ट में चलते हैं। जैसे कि यहाँ पर नेक्स्ट की एक और इसमें रूल है, ये रूल इस तरह के रूल आपको यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएगा, लेकिन मेरा मेन थीम क्या है आपको समझाने का, वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि ये रूल हम लोग इस नहीं जानेंगे, लेकिन फ्यूचर में चलकर हम बताने के वाले हैं क्या है। जैसे कि यहाँ पर है, इफ पी कैन डू अ वर्क इन एक्स डेज एंड क्यू कैन डू अ सेम वर्क इन वाई डेज, देन नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क टुगेदर इफ पी एंड क्यू वर्क टुगेदर। कहने का मतलब कि वही वाला जो बात है कि शुरू में बताए कि अगर पी जैसे कि पी है और कोई काम एक दिन में कर रहा है और क्यू है वही काम आप क्यू भी कर रहा है कितना दिन में, पी वाई डे में काम कर रहा है, तो दोनों पी एंड एक्स अगर मिलकर काम कर रहा है टुगेदर इफ पी एंड वर्क टुगेदर, तो कितना दिन में काम कंप्लीट करेगा। तो देखो दोस्तों, ये इसके लिए कोई रूल की जरूरत नहीं है, जैसे कि इसके यहाँ पर एक रूल दिया है, लेकिन प्रोडक्ट वाइज सम, जैसे कि यहाँ पर बोल रहा है कि जैसे कि इसका जो निकालने का कितना दिन में काम करेगा, प्रोडक्ट बाय सम करो इसका और निकल जाएगा डे, नहीं तो इसका मतलब क्या होगा, एक्स इंटू हम लोग वाई कर दे, अब बाई एक्स प्लस वाई कर दे, तो यही बात आई दोस्तों करने के लिए। लेकिन हम लोग इसे उस भी तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि हमने शुरू में कहा कि ए कैन डू वर्क 12 डेज में और बी कैन डू 15 डेज में, तो जैसे कि हमने यहाँ पर निकाला था, तो ए प्लस बी कितने दिन में काम किया था, 16/9 से किया था, क्योंकि हमने इसका एलसीएम लिया था, तो एलसीएम में 60 हुआ था और मैंने इस तरह से मल्टीप्लाई करके 16 से किया था, तो टोटल यहाँ पर 60/9 हुआ था। तो उसी चीज को हम लोग इस तरह से कर देखते हैं हो रहा है कि नहीं। देखो यहाँ पर पी जो है एक दिन में काम कर रहा है, मानो पी कहने का मतलब कि इसे ए यहाँ पर ले रहे हैं एक दिन में काम किया और बी जो है वाई दिन में काम किया, तो एक्स कहने का मतलब कितना है 12 है, तो हम लोग यहाँ पर 12 लिया, वाई के कहने का मतलब कितना है 15 है, 15 लिया, वाई यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे टोटल करेंगे क्या 12 प्लस 15 करेंगे दोस्तों, क्योंकि देखो यही है यहाँ पर दिया हुआ। उसके बाद हम लोग इसके मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा 12 × 15, तो अब 1 से 50 + 30 1 से 80 हो जाएगा दोस्तों, अब बाई उसके बाद इसे हम लोग फिर ऐड करेंगे तो 20 और 27 हो जाएगा, टोटल इतना हो गया दोस्तों, तो 18/27 हो गया। तो जब हम लोग 18/27 को डिवाइड करेंगे तो यह कितना हो जाएगा, यह 63 जा 18 और 0 के 0 एंड 6 9 3 जा 27, तो टोटल 60/9 आ गया। तो इसी दोस्तों देखो यहाँ पर आपको दोनों मेथड से हमने यहाँ पर भी 60/9 लिया और यहाँ पर भी हमने 60/9 लिया, तो सो मेरे ख्याल से क्या है, ये प्रोडक्ट एंड सम वाला जो रूल है वो आप सिंपली समझ सकते हैं कि ये रूल है। तो फाइनली मैं क्या कंक्लूड करना चाह रहा हूँ कि आपको टाइम एंड वर्क को कोई भी प्रॉब्लम, टाइम एंड वर्क का कोई भी प्रॉब्लम आप इस एलसीएम वाले रूल से और पार्ट डिवाइडिंग वाले रूल से कर सकते हैं, बस आपको थोड़ा दिमाग लगाना है, कोई कोई प्रॉब्लम इस तरह से इजी नहीं होगा कि आपको डायरेक्ट वहां पर इंप्लीमेंट कर दिया जाए।
कोई भी प्रॉब्लम में आपको उसमें क्या करना, जो भी पार्ट काम करेगा उसमें से घटाना भी कभी कभी होगा। तो वो हम जब लोग जब क्वेश्चन को फाइनली मैं यही बताना चाह रहा था, देखो दोस्तों रूल एक ही है कि आपको एलसीएम वाला पार्ट लेना है, और ये जितना भी फॉर्मूला बहुत सारे किताब जितना किताब देखेंगे या जितना भी सर पढ़ाएंगे जितना भी, तो हल्का फुल्का वहाँ पर इजीनेस के लिए, टीचर के इजीनेस के लिए, स्टूडेंट्स के इजीनेस के लिए वो लोग अपना रूल कुछ कुछ मीन्स निकाल देंगे, क्योंकि ये मैट है और इसमें जितना शॉर्टकट जो जिस तरह से निकाल कर आंसर निकाल सकता है उतना अच्छा है, तो वो लोग निकाल देंगे। लेकिन जो मेजर रूल है, मेजर जो ये थी, वो कहने का मतलब कि आपको यहाँ पर एलसीएम ही वाला सिस्टम है और हर क्वेश्चन बन जाएगा। तो सो मैं यही कहूँगा कि आप एक दिमाग में रखें कि मुझे एलसीएम वाले से जाना है, और ये क्वेश्चन जितना क्वेश्चन करेंगे उतना क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो जैसे कि मैं एक क्वेश्चन आपको, तो मैं अपने जो क्लास में लेने वाला हूँ संडे से, उस क्लास में मैं यही ये रूल से भी ज़्यादा मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस पर फोकस करने वाला हूँ, और ये कंसेप्ट से समझाया इस तरह तो समझाए भी करूँगा, लेकिन इससे भी ज़्यादा मैं हर क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा और बच्चे को भी बोलूँगा कि आप सॉल्व कर दिखाएं। जितना क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे उतना मैट आपके लिए इजी रहेगा, क्योंकि आप कोई भी सर के पास नहीं जाएंगे, मेरे पास भी नहीं आएंगे, तो भी आपको YouTube पर नंबर सब वीडियो जो है, आप जो भी जैसे कि मानिए नंबर सब वीडियो है YouTube पर, नंबर सब वीडियोज मानिए कि है ऑलरेडी पड़ा हुआ है, नंबर सब वीडियोज ऑलरेडी पड़ा हुआ है, आपको जो भी टॉपिक देखना है वो आप YouTube पर खोज कर, जैसे कि मानिए टाइम एंड वर्क का हुआ, तो आप वहाँ पर YouTube पर टाइम एंड वर्क प्रॉब्लम कर सर्च करेंगे, चाहे या टाइम एंड वर्क करेंगे या कहने मतलब टाइम एंड वर्क रीजनिंग प्रॉब्लम कर सर्च करेंगे, तो आपके पास आ जाएगा बहुत लॉट सब कुछ आएगा वीडियो। तो सो आप करें मतलब कि खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चन, तो खुद से भी आप कर लीजिए, उसमें कोई डाउट नहीं है और कोई भी उस तरह की नहीं है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखो ये बुक आपके पास रहेगा तो काफी अच्छा रहेगा, नहीं भी है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं इसी में से प्रैक्टिस करवाना है, कंसेप्ट तो मैं दे ही सकता हूँ, लेकिन मुझसे भी ज्यादा हमको प्रैक्टिस करवाना है, क्योंकि आपके पास टोटल 54 सेकेंड में आपको क्वेश्चन भी करना है, एक क्वेश्चन को बनाना भी है, प्लस जो वो सर्कल होगा इस तरह से गोल गोल जो सर्कल होगा उसमें आपको सर्कलिंग भी करना है। तो सर्कलिंग करते के वक्त सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ से बाहर से इस तरह से आपको पकड़ना है अपने सर को, और इधर को पहले बाहर को रंग देना है, उसके बाद भीतर में इस तरह से कर इस तरह से सर्कल पेंट कर देना है दोस्तों, इस तरह से हो गया। उसके बाद देखा यहाँ पर बोर्ड है नहीं बनाया अच्छे से, यहाँ पर इस तरह से कर देना है। तो सर्कलिंग तो हम लोग चलते हैं 53, इसीलिए शॉर्टकट जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, A is twice as good as B. Together they finish a piece of work in 60 days. Then the number of days taken by A alone to finish the work is कर है। तो देखो यहाँ पर आपको क्या क्वेश्चन बेंड किया ना, कि तो जैसे कि A है, ये क्या है, A is twice as good as B. तो ये अगर काम कोई x डे में काम कर, देखो ट्वाइस मैंने बताया था शुरू में, ये अगर a इज ट्वाइस गुड एज b कहेगा तो क्या हो जाएगा ना, इसका रेशियो a इज टू b का रेशियो, काम का रेशियो क्या हो जाएगा ना, काम का रेशियो होगा 2:1, लेकिन कितना दिन में फिनिश करेगा, डे वर्क का रेशियो हो गया ये, अगर यही टाइम का या डे का बोले तो रेशियो हो जाएगा a इज टू b का, कहने का मतलब 1:2 हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर बनाया आपको कि ये जो है x काम करेगा, ये जो है x डे लेगा, लेकिन b जो है वहीं पर कितना ले लेगा, 2x डे ले लेगा, क्योंकि डोडो यहाँ पर देखा है मैंने दोस्तों, 2x डे लेगा,
और यहाँ पर आपको अब ए प्लस बी जो है कितना दिन में कर रहा है, 16 दिन में काम कर रहा है कह रहा है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर सबसे पहले ये इसको क्या निकाले थे, इसको एलसीएम लेना है, तो इसे हम 16 दिन को पहले मिटा रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पर इसमें निकालना है कितना दिन आ रहा है। तो जैसे कि हम लोग x और 2x का एलसीएम लेंगे, x और 2x का एलसीएम लेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, इसमें सिंपली बात है। तो यहाँ पर हमने 2x स्क्वायर ले लेंगे और दोस्तों यहाँ पर 2x स्क्वायर करने के लिए हमें यहाँ पर x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पर 2x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जब हम इसे जोड़ेंगे ये 2x प्लस x को तो 3x हो जाएगा, तो हम उसे यहाँ पर 3x कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए आप जो ये 2x स्क्वायर बाई 3x हुआ है, इसको हमको क्या करना है कि इसको ये जो पार्ट हमने यहाँ पर आया वो किससे इक्वल दे रहा है क्वेश्चन में, यहाँ पर देखिए 16 दिन ए एंड बी कैन फिनिश द वर्क इन 16 डेज, और यहाँ पर भी हमने निकाला ए एंड बी कैन फिनिश द वर्क इन 2x स्क्वायर बाई 3x। तो ये जो है 2x स्क्वायर बाई 3x तो इक्वल टू हमारा 16 से हो जाएगा, तो 16 से हो जाएगा, तो हम लोग इसे कट करेंगे, x x तो कट हो गया, तो इसके बाद क्या होगा 2x इक्वल टू ये 16 इंटू 3 होगा, तो इसे हम लोग यहाँ पर 2 एट जा 16 कर देंगे, तो x इक्वल टू कितना हो गया 24 आ गया। तो x क्या जो ये का वैल्यू 20 डेज है 24 आ गया। तो यहाँ पर द नंबर ऑफ डेज टेकन बाई ए अलोन टू फिनिश वर्क इज, तो यहाँ पर ऑप्शन में दे रहा है 20 21 यहाँ पर 22 24, तो 24 डे तो आया है लेकिन और किसका कह रहा है ए का, तो ए का 24 आया है तो 24 दिन में ये फिनिश कर देगा, तो हम लोग ऑप्शन डी से चल रहे हैं, इस तरह से हो जाएगा। अगर आपको ये फॉर्मूला डिफिकल्ट लगा तो आप इस तरह से भी जा सकते थे, जैसे कि वहाँ पर आपको प्रोडक्ट एंड सम वाला बताएं, पर जैसे कि प्रोडक्ट एंड सम वाला, तो यहाँ पर एक्स का साथ आप एक्स के जैसे एक्स इंटू वाई प्लस एक्स प्लस वाई बताए थे हम इक्वल टू 16 होगा क्योंकि दोनों ए बी का, तो एक्स का क्या है एक्स तो एक्स ही है एक्स ही रखेंगे, वाई कितना है 2x है तो 2x रखेंगे, यहाँ पर क्या है एक्स क्या है एक्स है अब प्लस वाई क्या है 2x है इक्वल टू 16 रखेंगे। एलसीएम नहीं लेने में दिकदारी होता है तो इस तरह से आप जा सकते हैं, एलसीएम लेने में आपको अगर दिकदारी होता है तो यहाँ पर 16 रखेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों ये 2x स्क्वायर बाई यहाँ 3x इक्वल टू 16 होगा, तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 2x इक्वल टू 16 इंटू 3 और ये 2 कट जाएगा 8 होगा और x इक्वल टू 24 ही आंसर आएगा। तो इसीलिए मैंने शुरू में कहा सारे ज़्यादा मेथड याद करने से कोई काम मीन्स टैलेंटी तो है, लेकिन यहाँ पर एक ही मेथड आपको दिमाग में रखेंगे कि हमको एलसीएम वाले मेथड से सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, तो हो जाएगा दोस्तों, उसमें कोई दिकदारी नहीं है, एलसीएम वाले से हम लोग सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे चलते हैं, कभी थोड़ा ये जो मिटाने उठाने में टाइम लग जाता है, लग रहा है तरफ परमानेंट दे दिया इसलिए ब्लैक से भेज लिखना, जैसे कि लिख रहा है ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 9 डेज व्हाइल वी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज टुगेदर ए कैन बी एबल टू, तो ये तो आप कर सकते हैं, जैसे कि ए जो है वो काम कितना दिन में कर रहा है 9 डे में, बी जो है वो कितना दिन में काम कर रहा है 12 डे में, और ए अब इसमें पूछ रहा है ए प्लस बी जो है वो कितने दिन में काम फिनिश करेगा सेम काम को। तो इसमें देखो दोस्तों यहाँ पर आपको 9 एंड 12 का एलसीएम लेना है, और एलसीएम लेने के लिए मैंने सिंपली बता दिया, अगर आपको एलसीएम नहीं लेना आता है तो आप सिंपली ये भी कर सकते हो 9 इंटू 12 मल्टीप्लाई कर दो वही एलसीएम होगा, अगर आना आता है लेने तो आपको 9 और 12 को थोड़ा इस तरह से कर सकते हो 36 टोटल हुआ 36 यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर मैंने 36 कैसे ले आ दिया कोई बच्चा सोच रहा होगा,
तो 3 × 3 × 3 = 4 936 होता है। हर चीज याद नहीं रहता है, कभी कभी कोई चीज भूल जाते हैं, तो यहाँ पर 36 रख देना है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर हमें यहाँ 12 को किस तरह से 36 बनाया जाएगा ये बात सोचना है। तो हमको यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36, और यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 हो जाएगा। तो उसके बाद हमें ये टोटल ये वर्क पार्ट का काम है, तो यहाँ पर 4 + 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, तो 7 और टोटल यही डे आ गया। लेकिन 7 जो डिनोमिनेटर में है, नीचे जो 7 है वो 36 को डिवाइड नहीं कर सकता है, इसीलिए हमें इसे क्या करेंगे, और हमारा आंसर भी देखिए दोस्तों फ्रैक्शन में दिया है, इसीलिए हम इसे क्या करेंगे, यहाँ पर 7 × 5 = 35 + 1/7 तो इस तरह का ऑप्शन देखना है। क्योंकि देखो ये क्या है, 7 नोमिनेटर 1/, लेकिन 7 इंटीजर 1/7, सॉरी 7 इंटीजर नहीं, सॉरी 5 इंटीजर 1/7, कहने का मतलब क्या हो गया, 5 × 7 + 1/7 टोटल करेंगे तो 35 + 1/7 = कितना हो जाएगा, 36/7। देखिए दोस्तों, हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट आप लोग एमबीबीएस का है या बीएससी नर्सिंग वगैरह का एक हाईली डिमांडिंग एंड हाईली रिस्पेक्टेड प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, तो आप लोग को लग रहा होगा कि ये तो बच्चे का है, लेकिन कोई बच्चा इसमें ऐसा भी होगा कि उसे रियलिटी में ये पता नहीं होगा, इसीलिए मैंने पूरे बच्चे को समेटने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको इस तरह के जो नॉलेज सब है पता है तो थोड़ा अपना ये मत सोचिएगा कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, सोचिएगा कि मेरा दोस्त कोई सीख रहा है, तो इतना हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें देखना है हमें कौन सी सिस्टम है, तो देखो ऑप्शन ए में 5 × 1/7 तो 5 × 1/7 हमें यहाँ पर से ले सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन टू में, ऑप्शन हमारा भी यहाँ पर 5 × 1/7, तो ऑप्शन ए इज द हमारा राइट आंसर हो गया। तो इसी तरह से हर क्वेश्चन को मैं जो संडे से क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, तो देखिए दोस्तों मेरे पास 2 मंथ्स का टाइम है, और मुझे मैथ में जो भी बच्चा मेरे पास आएगा वो उसको 200 पे करना होगा, 200 पे करना पड़ेगा। ट्यूशन क्लास है, इसमें जो भी बच्चा होगा, मानिए 1 होगा 2 होगा 5 होगा जो भी होगा डट, तो इसमें जो भी बच्चा है ये मैथ जो है ये करने का मतलब कि 20 मार्क्स का है, तो मैं यही चाहूँगा कि वो बच्चा का एटलीस्ट 50 नंबर आए, और मेरा पूरा कोशिश रहेगा कि हर क्वेश्चन को वो बच्चा से करवाना, हर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, हर क्वेश्चन को उसे भी आए, और मुझे तो आता ही है, नहीं आएगा तो उनसे भी सीख लेंगे, एक ग्रुप में रहेगा तो हो सकता है कुछ कुछ नया सीखने को मिलेगा तौर तरीका, तो यहाँ पर वही मोटिव है। तो ये सारे क्वेश्चन 40 का 40 क्वेश्चन होगा, और जब तक क्वेश्चन नहीं खत्म होगा तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे, अगर चैप्टर में नहीं बढ़ेंगे 40 के 40 क्वेश्चन जितना भी क्वेश्चन है ये बुक में सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे कमांड। और मेरे ख्याल से जो शंकर कंडेल सर है उन्होंने लिखे हैं, और जो नेम इंस्टीट्यूट का जो टीचर टीम है उन्होंने काफ़ी सोच कर ये बुक को बनाए हैं, और काफ़ी हर चीज़ कवर होने वाला है, हर क्वेश्चन अगर आप करते हैं इसमें से तो हर क्वेश्चन मोस्ट क्वेश्चन आपका कॉमन एंट्रेंस के लिए कवर हो जाता है, और आपका बुझिए कि 99.9% आपका प्रिपरेशन हो जाता है। तो सो आने वाले वीडियो में जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग फिर कहने मतलब कि ये मैथ का क्लासेस करेंगे संडे से, और वो हम जूम ऐप पर कराएंगे, और इसके बाद मैं कोई प्रमोशन वाले बात नहीं करने वाला हूँ। सो टेक केयर, हैव अ गुड डे, और दोस्तों जाते जाते बाय बाय।